जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं हल खष्टी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल के बाद यानी भादो मास के कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि को हल खष्टी तिथि व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 17 अगस्त 2022 को पड़ रहा है। इस तिथि को बलराम जयंती और हल छठ के नाम से जानते हैं। यह व्रत महिलाएं संतान प्राप्ति और उनकी दीर्घायु के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं हल खष्टी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि का प्रारंभ 17 अगस्त 2022 को शाम 6:50 से होगा तथा इसका समापन अगले दिन 18 अगस्त 2022 को रात्रि 8:55 तक है। उदया तिथि 17 अगस्त को होने के कारण हल खष्टी व्रत इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निपटकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पूजा किए बिना पानी भी नहीं पिया जाता है। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके गंगा जल छिड़कें। इसके बाद भगवान श्री गणेश और बलराम जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। श्री कृष्ण को पीले और भगवान बलराम नीले रंग के वस्त्र पहनाएं। फूल फल अर्पित करें, माखन मिश्री और पीले फलों का भोग लगाएं, दीप जलाकर आरती करें। इस दिन भगवान बलराम के शस्त्र हल की पूजा का भी विधान है। पूजा में बलराम जी की मूर्ति के बगल में एक छोटा हल रखें। इसके बाद कृष्ण बलराम स्तुति का पाठ करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर मन में तेजस्वी संतान की प्राप्ति और उसकी खुशहाली की प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को अनाज और जमीन में उगने वाली यानी हल जूती सब्जियां तथा गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए तालाब में उगे हुए फल या चावल खा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। वहीं हल खष्टी या बलराम जयंती के दिन जो महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं, उन्हें भगवान बलराम के आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, अर्थात एक समय का भोजन कर हल खष्टी व्रत करने का संकल्प करें। खष्टी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक बार का धोया अर्थात नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माताएं सौभाग्य का सारा श्रृंगार करें। पूजन वाले स्थल को स्वच्छ कर गोबर से लीप कर एक बनावटी तालाब बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, तास, गुलर तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को गाड़ दें। तालाब में जल भर दें। तालाब में वरुण देव का पूजन करें।
एक चौकी में मिट्टी से बनी शिवजी, पार्वती, गणेश व कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर रखें। पूजन स्थल पर बच्चों का खिलौना रखें। हलछट के समीप श्रृंगार समान तथा हल्दी से रंगा कपड़ा रखें। कलश रखें, गौरी गणेश रखें, नवग्रह रखें, सभी का पूजन करें। पूजन में पसहर चावल का अक्षत, भैंस का दूध दही घी का ही उपयोग करें। पूजा में लाई भुना या सूखा महुआ चढ़ाएं। सतनाजा चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरा तथा जौ की बाले चढ़ाएं। कथा श्रवण करें। आरती व ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ तथा चना, गेहूं, अरहर आदि छह प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटें। पूजन के बाद अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता सगरी के जल से भीगा मारकर अपने आंचल से पूछें, इस दिन क्या करें क्या ना करें। इस दिन महुआ का दातुन करें। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ पेड़ की लकड़ी का उपयोग करें। भोजन के लिए महुआ पेड़ के पत्ते का दूना, पत्तल उपयोग करें। भोज्य पदार्थ में पचहर चावल बिना हल जूते ही उगने वाले का भात, छह प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध दही व घी, सेंधा नमक का ही उपयोग करें। हल चले भूमि पर न चले, हल चले जमीन का अन्न, फल, साग सब्जी व अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन न करें। तामसिक भोजन को न छुएं। प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। गाय के दूध दही घी का प्रयोग न करें। बच्चों व बड़ों का अनादर न करें। असत्य वचन न कहें।